नमस्कार, IDP24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विराट दुबे। जैसा कि तय माना जा रहा था, ठीक वैसा ही हुआ। अपराधी प्रकरण दर्ज होने के बाद डीजी मुकेश गुप्ता, नारायणपुर SP रजनेश सिंह को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। निलंबन के पश्चात अब इनकी गिरफ्तारी कभी भी तय मानी जा रही है। बता दें कि नान घोटाले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ के मामले में इन दोनों उच्च अफसरों के विरुद्ध अपराध दर्ज हुआ था। घोटाले के समय मुकेश गुप्ता ADG के रूप में EOW दोनों अफसरों ने साक्ष्य को मिटाने का काम किया है। लगभग 2.5 साल से परिवहन विभाग में पदस्थ सविता सिन्हा को एडिशनल SP के रूप में जसपुर जिले में पदस्थ किया गया है। वहीं जसपुर में SSP के रूप में कार्यरत रही जुनेजा खातून को EOW में SSP के रूप में रायपुर लाया गया है। इस संक्षिप्त उलटफेर के आदेश कल देर रात जारी हुए। श्वेता परिवहन विभाग में उप परिवहन आयुक्त के रूप में पदस्थ थी। शराबबंदी को लेकर राजनीतिक गलियारों में जंग छिड़ी हुई है। जिन जिन राज्यों में शराबबंदी की गई है, वहां इनका यह फार्मूला नाकाम साबित हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शराबबंदी के मुद्दे पर उठे सवालों पर कहा कि छत्तीसगढ़ में जन जागरण के जरिए इसके लिए माहौल बनाया जाएगा। नशा पान की कुरीति को समाप्त करने सर्वसहमति से सरकार व्यापक अभियान चलाई जाएगी। राज्य सरकार ने शराबबंदी के लिए 2 अध्ययन दल भी गठित करने का निर्णय लिया है। NCP अध्यक्ष शरद पवार अब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इसके लिए उन्होंने माढ़ा लोकसभा चुनाव क्षेत्र को चुना है। पवार 77 साल की उम्र में एक बार फिर से चुनावी सफर में उतरने को तैयार हो रहे हैं। शरद पवार ने महाराष्ट्र में 10 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। NCP अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि माढ़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने का आग्रह NCP के मेरे सभी सहभागियों ने किया है। लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग करके संपत्ति खरीदने के आरोपों का सामना कर रहे रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय ने लगातार आज तीसरी बार पूछताछ की है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा इसके लिए दिल्ली स्थित ED के ऑफिस पहुंचे हैं। वाड्रा से ED ने गुरुवार को 9 घंटे तक लगातार दूसरे दिन पूछताछ की थी। वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने विदेश में अवैध रूप से संपत्ति खरीदने में मनी लॉन्ड्रिंग की है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और उससे अलग हुए राज्य उत्तराखंड, दोनों ही राज्यों में जहरीली शराब का कहर अभी भी जारी है। दोनों राज्यों को मिलाकर लगभग अभी तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर बात करें सिर्फ उत्तर प्रदेश की, तो सहारनपुर और कुशीनगर में दोनों जगहों को मिलाकर अब तक 58 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोगों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। वहीं इस बड़ी लापरवाही पर SSP दिनेश कुमार ने नागल थाना प्रभारी सहित 10 पुलिसकर्मी और अबकारी विभाग के 3 इंस्पेक्टर व 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। बसपा शासनकाल में मूर्तियां, पार्क और स्मारकों के खर्चे व सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर पार्टी प्रमुख एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर पेश न करें। मायावती ने ये मांग अपने ट्वीट के माध्यम से की है कि इतना ही नहीं, उन्होंने BJP को लेकर तंज कसते हुए कहा कि BJP के लोग कटी पतंग न बने तो बेहतर होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है, मीडिया कृपया करके माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर पेश ना करें। राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में आए दिन कोई न कोई वारदात होती ही जा रही है। कभी जवानों द्वारा नक्सली मुठभेड़ की जाती है, तो कभी नक्सलियों द्वारा पर्चा फेंक कर सरकार को चुनौती देने का काम हो रहा है। ताजा मामला आज फिर सामने आया है, जहां सुबह नक्सलियों ने दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग पर गोरगुंडा गांव के पास सड़क किनारे व पेड़ों पर पर्चे लगाकर 10 फरवरी को गांव-गांव में भूमकाल दिवस मनाने की अपील की है। यदि आप कहीं जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो थोड़ा ठहर जाइए और यह खबर जरूर पढ़िए। आज यानी 9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2019 तक कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत विभिन्न सेक्शनों में संरक्षा से संबंधित एवं आधुनिकीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते अलग अलग तारीखों को करीब 38 ट्रेनें रद्द रहेंगी। इस कार्य के फलस्वरूप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर जाने वाली लंबी दूरी की कुछ एक्सप्रेस एवं पैसेंजर गाड़ियों को रद्द किया गया है।